नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मेरे साथ मेरे सहयोगी पारुल त्यागी भी मौजूद है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया जश्न आजादी मना रहा है। 75 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं, ऐसे में देश के कोने कोने से तमाम खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद तमाम बातें रखी हैं। ऐसे में उन हर बातों को लेकर हर ओर चर्चाएं हो रही है। क्या आम और क्या खास, हर कोई उन चीजों पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे तमाम ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि खास है, जो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपके लिए खासकर लेकर आया है। तो इसी कड़ी में एक और खास प्रोग्राम अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाला है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में तमाम गेस्ट अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं जो आज का ये खास प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। पारुल, देखिए जिस तरह से देश आजादी का 75वां साल आज मना रहा है, देश के कोने कोने में जश्न है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हाथों में तिरंगा लहरा कर, वो जो जज्बा है ना आजादी का, वो उनके दिलों में छोटे छोटे बच्चों में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल काजल, और लगातार सुबह से ही हम तमाम तस्वीरें ऐसी देख रहे हैं जहां पर बहुत जश्न मनाया जा रहा है, चाहे वो फिर जम्मू कश्मीर हो, खास कर जम्मू कश्मीर में बहुत बिल्कुल लाल चौक से ही सुबह से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। फिर दिल्ली की बात कर ली जाए या कोई भी जिला हो, कोई भी राज्य हो, हर जगह से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। और इसीलिए आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर भी तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और इसी के तहत आज एक बार फिर से एक और कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और इसीलिए स्टूडियो में हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं, और आगे आपको कई सारे कार्यक्रमों का लुफ्त भी उठाएंगे आप, और आपको रूबरू भी कराएंगे गेस्ट से। काजोल, आप बिल्कुल, और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है राजीव जी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। जय दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। डॉक्टर अरुण पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कवि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंजना सिंह जी कवित्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अंजना जी आपसे हो जाए, क्योंकि महिलाओं को लेकर आज लाल किले की प्राचीर से बहुत बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, तो उसको लेकर कोई कविता हो जाए। सबसे पहले तो मैं आजादी की 75वीं देशवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और स्वतंत्रता दिवस पर ही चार पंक्तियाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा। आने न देंगे बागी परिंदों को इस तरफ, आने न देंगे बागी पर, देखिए जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं जिनकी वक्र दृष्टि हमारे देश पर पड़ी रहती है, हम तो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम दूसरे का पर अतिक्रमण करें दूसरे के देश में। लेकिन हमारे देश की तरफ कोई अगर गलत निगाह उठाकर देखेगा तो उसे भी हम माफ नहीं करेंगे। सुनेगा कि आने न देंगे बागी परिंदों को इस तरफ, बेदार सरहदों पर हर ओर गश्त है। आने न देंगे बागी परिंदों को इस तरफ, बेदार सरहदों पर हर ओर गश्त है। इस आन बान शान से फहराओ तिरंगा, इस आन बान शान से फहराओ तिरंगा, संदेश जाए दुनिया को कि आज 15 अगस्त बहुत बहुत संदेश जाए। और अंजना जी देखा जाए तो संदेश वो पहुंच रहा है, क्योंकि विश्व के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई इन 75 सालों में वैश्विक स्तर पर भारत ने एक अलग छवि बनाई है। देखिए तमाम लोग और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम एक एक करके जुड़ेंगे। अंजना जी सबसे पहले आपका स्वागत इसलिए मैंने किया क्योंकि महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बातें कहते हैं, और आज एक खास बात कही है कि देश की बेटियां जो है वो उन बुलंदियों को छू रही है जो इन 75 सालों में नहीं हो पाया। मैं चार पंक्तियां बिल्कुल मैं पंक्तियां सुनाती हूँ कि देखिए नारी जो है वो दो दीर्घ शब्दों से मिलकर बना है, नारी शब्द जो है, तो मैं पंक्तियां सुनाती हूँ कि दीर्घ अक्षरों से मिलकर जो शब्द बना वह नारी, दीर्घ अक्षरों से मिलकर जो शब्द बना वह नारी है, देवी सी महिमा है जिसकी जग की पालनहारी, देवी सी महिमा है जिसकी जग की पालनहारी है, और सृजन सृष्टि का करती है, जो खुद सृष्टि का सृजन करती है, सृजन सृष्टि का करती है, जो सहकर घनी प्रसव पीड़ा फिर लघु कैसे हो सकती, क्यों अबला और बेचारी। और तो देश की बेटियों के इसका नाम बहुत अच्छा निकलता है जी, बहुत अच्छा अर्थ है इसका, समझने अगर समझने निकलेंगे हम तो वाकई बहुत खूब इसका
बात है। और हमारे साथ यहाँ पर अरुण पांडे जी भी मौजूद हैं, वो भी कवि हैं। देखिए अंजना जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही हैं आज अरुण पांडे जी, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे इन 75 सालों में, देखिए जब स्वतंत्रता सेनानियाँ लाखों ऐसे थे जिन्होंने इस आजादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन आज भी वो जज्बा जो है सेना के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए हर भारतीय के, हर नौजवान के मन में उभरता है, उनके लिए खास। मैं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ में न्यूज वर्ल्ड इंडिया के समस्त दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। और ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आपने जो बात की कि क्यों इतनी बलिदानों के बाद भी हमारी हस्ती नहीं मिटती, और आज भी आप देख लीजिए तमाम गांवों में, आज सुबह सुबह अगर 4 बजे निकले तो देश के अलमस्त जवान आपको रोड पे मिल जाएंगे दौड़ते हुए। आज भी वो जानते हैं कि इस जिस प्रोफेशन को हम चुनने जा रहे हैं वो सबके बस की बात नहीं साहब। उनको पंक्तियां समर्पित करता हूं कि क्यों ये देश पे जान लुटाने की कमी नहीं है लोगों की, कि घास की रोटी खा के जिए। मैं इतिहास से जोड़ना चाहता हूं, आपने जो बोला कि घास की रोटी खा के जिए, राणा जैसे यहां लाल हुए। आप भी जुड़िए पत्रकार महोदय, आप भी जुड़िए सर, कि घास याद कीजिए कि घास की रोटी खा के जिए, राणा जैसे यहाँ लाल हुए, और काल से भी लड़ जाए यहाँ नचिकेता से नौनिहाल हुए। और पूरा इतिहास का पन्ना खोज लीजिए, पूरे विश्व के इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा जहाँ पे मृत शरीर से दुश्मन कांपते हो। केवल ये जननी, ये देश हमारा है जो ऐसे पुत्रों को जन्म देती है कि मृत देह से अरिदल कांपते हो। इतिहास की याद कीजिए आप, मृतदेह से अरदल कांपते हो, आजाद यहां विकराल हुए, और धन्य धारा, अरे धन्य धारा यह भारत की जहां वीर सपूत कमाल हुए, धन्य धारा यह भारत की जहां वीर सपूत कमाल हुए। और मैं क्यों ना इस पे गर्व करूं, उस पे पंक्तियां समर्पित करता हूं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों के लिए, कि माटी पावन है भारत की, भारत मेरा सबसे प्यारा, माटी पावन है भारत की, भारत मेरा सबसे प्यारा, गंगा यमुना कल कल करती लेकर बहती पावन धारा, और ताज हिमालय जिसके सिर पे, एक प्राकृतिक वातावरण खींचना चाहता हूं इस चैनल पे, कि ताज हिमालय जिसके सिर पे, और शिवनगरी है नाम केदारा, और राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश हमारा, राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश हमारा। और युवाओं को याद करते हुए 4 पंक्तियां समर्पित करके अपने वाणी को अल्प विराम देता हूँ कि क्यों युवा आज भी हमारे देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है, सिर कटा देता है लेकिन झुकता नहीं है। कि फलक पे लाख तारे हों, और मैं इस चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे देश के युवा किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, गुटखा खाने वाले किसी अभिनेता को नहीं, किसको मानते हैं, मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं, कि फलक पे लाख तारे हो, सितारा एक होता है, नजर को बांध दे ऐसा नजारा एक होता है, और गाथाएं फरिश्ते भी सुना के गर्व करते हो, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक होता है, लालों का लाल लाखों में। बहुत बहुत आभार। बहुत सही अरुण जी, ये बातें आपने बहुत सही कही है, पंक्तियां बहुत खूब हैं, और यूं ही नहीं कहा जाता कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए यहाँ पर बातें हो गई हैं और यहाँ पर कुछ पंक्तियां भी सुना दी गई हैं। पारुल, तो आज जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे का 25 सालों का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। पारुल, तो आगे बढ़ते हुए आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल काजोल, और देखिए राजीव जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया उसके क्या मायने निकलते हैं, अगर उसके मायने पूछा जाए। सबसे पहले तो मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों को और सभी देशवासियों को इस टीवी चैनल के माध्यम से 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश यूँ ही तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे, सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, और जो महामारी में हमने बड़े पैमाने पे बाकी देशों के मुकाबले जंग जीती है वो वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है।
दुनिया गवाह है इस बात की। बाहर के देशों ने भी हमारी मेडिकल व्यवस्था को इतनी जनसंख्या कम सीमित संसाधनों के बावजूद भी जंग जीतने में हमारी जो है पीठ भी थपथपाई है और दावा भी किया है कि एग्जाम्पल के तौर पर भी पेश किया है कि भारत ने जो इतनी बड़ी महामारी में जंग जीत के और बहुत जल्दी कंट्रोल किया है, हालांकि हमारे देश का इसमें बहुत नुकसान भी हुआ है, मगर उसके बावजूद भी देखिए आशावादी व्यक्ति हूँ, आशा और उम्मीदों पर दुनिया कायम है, रहनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि यही सही समय है, सही समय है, आपदाई है, मगर हम इसमें अवसर तलाते हैं, अवसर तलाशे पॉजिटिव। देखिए हमारे शरीर में दो तरीके की विचारधारा होती है, एक निगेटिव विचारधारा, एक पॉजिटिव विचारधारा, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। हमें नकारात्मक तो को त्याग करके सकारात्मक तो को लाना होगा, हमें पॉजिटिव चीजें देखनी होगी। देखिए निगेटिव है मगर हम निगेटिव को कब तक रोते रहेंगे, पीछे क्या हुआ आगे क्या नहीं हुआ, जो पीछे बीत गया उसको भूल जाइए, जो आगे बेहतर हो सकता है उसको साथ मिलकर आइए, साथ चलिए, कदम से कदम बढ़ाइए, सब लोग मिलकर के साथ चलेंगे, भारत फिर पहले से भी ज्यादा मजबूत बनेगा, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, ये विजन है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाले 25 सालों में हम पुनः फिर भारत सोने की चिड़िया बनकर उभरेगा और विश्व विजेता बनेगा, ऐसी मेरी भी विचारधारा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा है और मैं इन बातों से सहमत हूँ। यही समय है, सही समय है, इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े हो। और जैसी पिछले 2-3 महीने पहले हालात थे, मैंने देखा है बहुत नजदीक से कि लोग अपने पड़ोसी को, अपने माँ बाप की डेड बॉडी को कंधा देने के दाह संस्कार के समय में भाग जाते थे छोड़ करके कि इसको छुएंगे तो महामारी फैल जाएगी, हम भी मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर से ऊपर मैं वही कह रहा हूँ, अमर होकर नहीं आया है कोई, अपने पड़ोसी का साथ दीजिए, अपने रिश्तेदार का साथ दीजिए, जितने दिन का विधाता ने हमारे जीवन में समय लिखा है, ना कोई एक सांस कम कर पाएगा और ना एक ज्यादा कर पाएगा। पॉजिटिविटी ये है कि दुख सुख में एक दूसरे के काम आए, हम एक दूसरे के हर संभव कंधे से कंधा मिलाकर मदद करें और दुश्मन या दुश्मन देश या दुश्मन देश के जो लोग हैं हमारी सेना पे या हमारे देश पर नजर गड़ाए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब हम पहले की तरह ही आगे भी देते रहेंगे। बालाकोट में भी दिया है, उरी में भी दिया है, पठानकोट का भी जवाब दिया है, उससे पहले और भी बहुत पॉजिटिव बातें हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैं फिर कह देना चाहूंगा, हालांकि आज इन चीजों का समय नहीं है मगर जब बात होती है, मौका है तो बात कही जाती है। महबूबा मुफ्ती इसी देश में है, महबूबा मुफ्ती इसी देश में है, उसने कहा था कि जिस दिन जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा लहराएगा उस दिन राष्ट्रीय ध्वज को कोई उठाने वाला नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, महबूबा मुफ्ती धारा 370 इसी देश में हटी है, तिरंगा आज लाल चौक पर लहरा रहा है, आप इसी देश में खुशी के साथ है और मैं प्रधानमंत्री के इस निर्णय के साथ हूँ, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ है, 7 सालों में। बहुत बढ़िया राजीव जी, और ये जो आपने जिक्र किया अभी कि महबूबा मुफ्ती का कि जम्मू कश्मीर में अगर तिरंगा लहराएगा तो वो तस्वीर अलग ही होगी, लेकिन आज वो तस्वीर हमें देखने को मिली है, क्या लाल किला और क्या लाल चौक, तिरंगा शान से लहरा रहा है और खुशी अमन चैन के साथ लहरा रहा है, बहुत बढ़िया राजीव जी। अखंड भारत की बात नहीं करते हम, अखंड भारत की। अब यहाँ मैं जय दीक्षित भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आज एक और शब्द इस पे जुड़ा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? प्रथम दृष्टया मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के सभी दर्शकों को 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला के प्राचीर से बोला है, इसमें अगर मैं अपने अधिकारों की बात करता हूं तो मुझे अपने कर्तव्य को भी याद रखना पड़ेगा, मुझे अपना कर्तव्य भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी देश हमारे केवल राज्य किसी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, हर उस नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि देश के सम्मान को स्वाभिमान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जब हम कर्तव्य की बात करते हैं, जब हम अधिकार की बात करेंगे तो हमारा कर्तव्य भी सामने आएगा और देश को कैसे अखंड बनाना है, देश को कैसे समृद्ध बनाना है, इस पे भी हमें अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा और हमें अपने को आगे बढ़ा के देश के शान और आन बान शान को लेके देश के लिए हमें आगे बढ़ना। एक नागरिक के तौर पर हम खुद को कैसे बदल सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि एक नागरिक के तौर पर खुद को बदलिए, कैसे? देश की शान, आप जिस हिंदुस्तान की हम बात आज कर रहे हैं, एक युवा देश है,
जहाँ की जनता 60% की जो संख्या है युवाओं का देश है। बिल्कुल सही। और अगर आज युवा अपने दम पे अपने बुद्धि से अपने विवेक से अपने शिक्षा से अगर आगे बढ़ के देश के सम्मान में देश के लिए खड़ा होता है तो एक बहुत बड़ा अवसर है और युवा ये कर सकता है क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस महामारी में पूरी दुनिया त्रासदी में रही है जी। और कोरोना ने दुनिया को बहुत पीछे लेके गया। विश्व की जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो वो भी सबसे ज्यादा डैमेज रहा, पछड़ गया, बहुत पीछे, बहुत पीछे गया है। और वहां अपनी जनसंख्या और अपने मृत्यु दर और इस कोरोना की महामारी में उसने अपने आप को बहुत ज्यादा असहाय महसूस किया। हम आप सबने, पूरी दुनिया ने देखा है विश्व की जो शक्ति है। लेकिन आप उठा के देखिए कि इस महामारी में, इस त्रासदी में भी हिंदुस्तान का युवा चूंकि खड़ा हुआ, स्टार्टअप जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही, स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 साल पहले हमें बता दिया था कि हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो महामारी से दूर रहेंगे। आज अगर हम अपने बल पे, अपने स्वाभिमान के साथ, अपने स्टार्टअप इंडिया के साथ, अपने बुद्धि और विवेक के साथ अगर मैं किसी कारोबार को लेके खड़ा होता हूँ दुनिया, आप देखिए ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक छोटी सी अपील होती है, राष्ट्र के नाम संदेश आता है कि पीपीई किट कितनी बड़ी छोटी सी चीज है, जहां पे इंडिया मुझे लगता है कि 100 से नीचे कहीं पे भी नहीं था। आज के डेट में एक छोटे से अपील में 60% युवाओं का देश आज पीपीई किट में वर्ल्ड का थर्ड नंबर का मैन्युफैक्चरर बन गया। एक छोटी सी अपील है और कहीं ना कहीं एक चिंगारी है भारतीय युवाओं में, जो ये युवा भारत है उसमें चिंगारी देने की जरूरत है। और वो काम अगर कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और युवा जाग गए। बिल्कुल, और युवा जागे और आज भी उनका संबोधन अगर आप सुनेंगे तो ऐसी बातें रही हैं कि वो हर हिंदुस्तानी में जोश भर रही है, चाहे वो देश की बेटियां हो, चाहे वो उभरता देश हो, चाहे वो उभरता भविष्य हो देश का। बिल्कुल जी, मैं आपके इस बात से समर्थन करता हूँ। अभी हाल ही में ओलंपिक खेल टोक्यो में संपन्न हुआ, आप उन युवाओं को तो देखिए जिन्होंने अपना जीवन, जिन्होंने अपना कैरियर देश के सम्मान के लिए दांव पे लगा दिया। लेकिन वहां पे भी एक छोटी सी एग्जांपल, एक देश का गार्जियन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन युवाओं को प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत फोन करके बात किया और उनके अंदर वो आत्मसम्मान को जिंदा किया, उस चिंगारी को फिर से एक लॉ दे दी कि आप इससे कुछ कर सकते हैं। और आज देखिए हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम गोल्ड लेके आए। और मुझे विश्वास है कि अगर ऐसे युवाओं को, महिलाओं को, मातृशक्तियों को अगर ऐसे छोटी छोटी उपलब्धियों के साथ उन्हें सबल बनाया गया तो मैं वादा करता हूं कि जिस शीर्ष स्थान पे आज अमेरिका और चाइना बैठा हुआ है, कल हमारा हिंदुस्तान बैठेगा और वहीं हम आप बैठ के उनके सम्मान में तालियां बजाएंगे। दीक्षित जी, तो ये चीज क्लियर तो की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 25 सालों का विजन क्लियर है प्रधानमंत्री का कि हमें विकासशील नहीं रहना, हमें विकसित होना है, महाशक्ति के रूप में उभरना है। 70 साल की आजादी में हिंदुस्तान चल रहा था, अब दौड़ रहा है। अब पिछले 8 साल 10 साल 7 साल से जब आप देखेंगे तो वो युवा हिंदुस्तान अब दौड़ रहा है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। और इस मैराथन को पूरा जल्द ही हिंदुस्तान को करना है, ये उम्मीद हम लगातार देश के युवाओं से लगा सकते हैं, जैसा कि हमने ओलंपिक्स में देखा ही है, टोक्यो ओलंपिक्स में कितना बेहतर प्रदर्शन किया खिलाड़ियों ने। भले ही हमें गोल्ड एक मिला हो लेकिन वो एक गोल्ड हमारे 100 गोल्ड के बराबर है। 100 गोल्ड के बराबर। आज नीरज ने जो कमल खिलाया है जी, नीरज का जो पर्यायवाची है दैट इज कमल, आज नीरज ने जो स्वर्णिम कमल खिलाए हैं हिंदुस्तान के नाम के लिए, हमें इस पर गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि देश में एक ऐसी नेतृत्व है, ऐसी बेहतरीन नेतृत्व है जो कमल खिलाने के लिए मजबूर नीरज को लेकर आया। और उनको पहचाना देश के युवाओं को, प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा कार्यक्रम स्टार्ट किया था जिसमें देश के अंदर कोने कोने में हर क्षेत्र में जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है, हर क्षेत्र में जो बेटियां हमारी अच्छा कर रही हैं, आप हॉकी देखिए, तो बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ी बेहतर सुविधा उन खिलाड़ियों को, उन प्रतिभाओं को उपलब्ध कराया गया
जिससे कि वो हमारे देश का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल दीक्षित जी, बहुत सही बात कही आपने। अंजना जी, अभी ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं उनका जिक्र हो रहा था, दीक्षित जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया, उनको लेकर कोई कविता आपके मन में आए, क्योंकि उनके हौसलों को और उड़ान मिलनी चाहिए और उनसे हर एक खिलाड़ी ने एक अच्छा बिल्कुल प्रदर्शन किया था टोक्यो में, तो कुछ लाइन हो जाए उनके। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई देती हूँ और पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ कि इतना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही और हमारे देश का नाम जो है रोशन किया गया है। पूरे हर नागरिक के मन में जो भाव होना चाहिए वो मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि मकाम ऊँचा हो, मकाम ऊंचा हो, कुछ योगदान कर जाऊं, मकाम ऊंचा हो, कुछ योगदान कर जाऊं, और जमीन हिंद को मैं आसमान कर जाऊं। जमीन हिंद को, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये अंजना जी बहुत अच्छा कहा आपने, और इससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे होंगे और जो बच्चे हमें देख रहे होंगे वो जरूर प्रेरणा लेंगे और इन लाइनों को जरूर याद रखेंगे। जी, दो लाइन और सुनाती हूँ जी कि ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, अंजना की हसरत है, ए मेरे प्यारे वतन, अंजना की हसरत है, पड़े जो वक्त तो, पड़े जो वक्त तो, मैं प्राण दान कर जाऊं, जमीन हिंद को मैं आसमान कर जाऊं। बिल्कुल अरुण जी, अब अंजना जी ने इतनी अच्छी लाइनें सुनाई दी हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी कुछ लाइनें हमें ऐसे ही सुनाएंगे जिससे हमारे खिलाड़ियों का हौसला और ज्यादा बढ़े, हमारे जो देश का भविष्य है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं देश का, क्योंकि आने वाले समय में वही देश को और आगे ले जाएंगे, उनके लिए कुछ हो जाए। मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। देखिए, काव्य कुल शिरोमणि रहे हैं गोपाल दास नीरज जी, उनकी जो कविताएं हुआ करती थी और आज भी वो जीवित हैं, कविताएं, वो तो स्वर्गवासी हो गए लेकिन उनकी कविताएं जीवित है। तो मैं और सन 21 में भी एक नीरज को देखा इस देश ने, और जो वो भाला फेंका है उस पे मैं दो पंक्तियां उसको समर्पित करता हूँ, सीधा एथलीट को जिसने गोल्ड मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के द्वारा जीता हुआ पहला एथलीट है जिसने गोल्ड मेडल जीता। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ उसको, बधाई की पंक्तियां समर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि सन 21 में हमने भी एक ऐसा नीरज देखा है, कि सन 21 में हमने भी एक ऐसा नीरज देखा है, और युगों तलक जो याद रहे ऐसा भाला फेंका है, युगों तलक जो याद रहे ऐसा भाला फेंका है। और मैं बताना चाहता हूं, आज जो लाल किले के प्राचीर से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, यही समय है, सही समय है, उसमें मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, और आप लोग का साथ मिलेगा तो वो पंक्तियां और अच्छी हो जाएंगी कि उठो बढ़ो अब हर बाधा को लांघ जाने का समय है। उन्हीं की पंक्तियां मैं गा रहा हूं कि उठो बढ़ो अब हर बाधा को लांघ जाने का समय है, वीरों की ये भूमि रही है, अध्याय नया गढ़ने का समय है, और समय अभी प्रतिकूल अगर, अरे समय अभी प्रतिकूल मगर तो अनुकूल बनाने का समय है, यही समय है, यही समय है, यही समय है, सही समय, उठो बढ़ो अब हर बाधा को लांघ जाने का समय है, उठो बढ़ो अब हर बाधा को लांघ जाने का समय है, वीरों की ये भूमि रही, अध्याय नया गढ़ने का समय है, समय अभी प्रतिकूल मगर, अरे समय अभी प्रतिकूल मगर अनुकूल बनाने का समय है, यही समय है, सही समय, यही समय है, सही समय है। और क्या समय है, ये तो समय प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि यही समय है कि आपको इस समय को जो प्रतिकूलता हमारे मनों में आई और कोरोना के कारण हमारे जो समय प्रतिकूल हो गया था उसको अनुकूल बनाने का अब समय आ चुका है। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ झंडे के सान में, पढ़ना चाहता हूँ तिरंगे के झंडे के, कि क्यों ये झंडा लहराना चाहिए, कि लहराज तिरंगा नभ में गीत विजय के आओ गाएं, क्यों मना रहे हैं हम ये स्वतंत्रता दिवस, और आप और हम अपनी अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ये भी एक देशभक्ति है। मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि लहराज तिरंगा नभ में गीत विजय के आओ गाएं, और धन्य धरा पावन माटी के
आओ सच्चे लाल कहाँ, और मातृभूमि शतबार नमन है। क्यों नमन है? कि मातृभूमि शतबार नमन है, धूल धरा की माथ लगाए, और आवश्यक नहीं हो सरहद पर, जहाँ भी हो बस मान बढ़ाए। आवश्यक नहीं हो सरहद पर, जहाँ भी हो बस मान बढ़ाए। आप पत्रकारिता करते हैं तो ये ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करें, देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। अगर वो विश्लेषण करते हैं, अगर ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं, देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। आप पत्रकार हैं, आप अपनी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने पत्रकारिता करती हैं, यही देशभक्ति है। अंजना जी इतनी बड़ी साहित्यकार है, बिना किसी डर के अगर वो कलम चलाती है, उनकी देशभक्ति सिद्ध हो जाती है। मैं एक कवि हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट की अगर सच्चाई बोल देता हूँ, ये मेरी देशभक्ति है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप लोग को, बहुत बहुत आभार। अभी मैं आपको यहाँ अभी पूर्ण विराम नहीं लगने दूंगी, विराम नहीं लेने दूंगी आपको। एक और यहाँ पर कुछ लाइनें और मैं सुनना चाहूंगी। हमारे जो देश के किसान हैं, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर बहुत बड़ी बातें कही हैं कि हम किसानों को लेकर लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारा किसान जो है और ज्यादा आधुनिक होता हुआ नजर आए। हमेशा से हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश रहा है, और शायद विश्व में सबसे ज्यादा खेती भारत में होती है। और गाना भी है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और हमेशा से उगलता ही आया है। तो ऐसे में आपसे ये सुनना चाहूंगी कि पिछले 9 महीने से हमारा देश का अन्नदाता जो है वो आंदोलन कर रहा है, उनकी अपनी वजह है, सरकार से अपनी लड़ाई है। देखिए, ये बाहरी कोई इसमें प्रवेश ना करे, तो हम यही चाहते हैं कि इस पर ऐसी कोई पंक्तियां हो जाए कि हमारे किसानों को भी पूर्ण टाइम पंक्तियों से सम्मान मिल जाए। जी, मैं एकदम बात में यही कहता हूं, क्योंकि आज हम अगर अन्न कोई खाते हैं तो वो केवल अन्न, और उसका कर्ज तो हम चुका ही नहीं सकते। और एक बात और मैं उन किसानों के लिए बोलता हूं कि एकदम आप अपनी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और किससे लड़ते हैं आप? जो अपनों से। आप अगर हक किससे मांगेंगे? अगर बच्चा कोई नाराज होता है तो अपने पिता से नाराज होता है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि हमारे अंदर कलुषता आ गई। हम नाराज हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि देश के जब आन बान शांति आती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो वो किसान का बेटा शहीद हुआ है देश के लिए। तो मैं सभी किसानों को सलाम करता हूँ, उन सपूतों को सलाम करता हूँ जो देश की आन बान शान के लिए लड़े हैं। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ, और मैं फिर बताता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीति जरूर होती है किसानों के साथ, और जब भी मुद्दा कभी राजनीतिक हो जाती है तब यह आंदोलन और धरना का प्रदर्शन लेके एक रोड पे लोग आते हैं और उसको भड़काया जाता है। लेकिन हमारा किसान कैसा है, मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि अब तक तो जितनी बातें, जितनी सरकारें आई हैं वो किसानों के लिए क्या की हैं और वास्तविकता क्या है, चाहे वो महाराष्ट्र की किसान ले लें, चाहे और किसी भी सुदूर राज्य के किसानों को ले लें, स्थितियां यही है। मैं बताना चाहता हूं कि अब तक तो बस हमको बातों का सम्मान मिला, अब तक तो बस हमको बातों का ही मान मिला, सत्ताधारी औसादों का बस हमको अपमान मिला, और नारों भर तक गूंजा करती अपनी तो हिस्सेदारी, बाकी कर्ज में डूबी तो फांसी का सम्मान मिला, बाकी कर्ज में डूबी हमको फांसी का सम्मान मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बिल्कुल बहुत शुक्रिया अरुण जी। अब राजीव जी का भी मैं रुक करूंगी, बहुत देर से चुप बैठे हैं। राजीव जी बोलेंगे कि हमें प्रोग्राम में बुलाया, हमें बोलने नहीं दे रहे। राजीव जी देखिए, तमाम मुझ में प्रधानमंत्री जी में खासियत है, जब हम बोलना शुरू हो जाते फिर दूसरे की नहीं सुनते और ना रुकते। राजीव जी माइक उठाइए और अब बताइए कि 75 साल आजादी के हम, मतलब आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। 75 साल पहले वो दौर अलग था, जब भी उस दौर को हम याद करते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, मन छलनी हो जाता है। लेकिन हम वो सौभाग्य हमारा कि हम ऐसी आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बलिदान दिया, तब जाकर हम आजादी की इस हवा में सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल अभी मेरी आंखें नम है, और मैं जब भी सोचती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। तो ऐसे में अब 75 साल पूरे हो गए हैं, विजन क्लियर है, आने वाले 25 सालों में भारत और तरक्की करेगा, निरंतर तरक्की कर भी रहा है। कुछ और बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि जो ये शत प्रतिशत का मंत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शत प्रतिशत से हम क्या समझते हैं? क्या अभी हमारे देश के युवा शत प्रतिशत होकर काम नहीं कर रहे हैं? हमें कितनी और जरूरत है आगे बढ़ने की? मैं दो चीज से शुरुआत करूंगा और थोड़ा सा समय भी चाहूंगा। पूरा समय आपका राजीव जी। डॉक्टर साहब ने इतिहास से शुरू किया और अंजना मैडम ने बलिदान की बात की, मैं उन दोनों को जोड़ करके बात करता हूँ। हजारों वर्ष पूर्व जब देवताओं का और दैत्यों का आपस में संघर्ष चल रहा था, जैसे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान के आतंकवादियों का चलता है, तो इंद्र की सभा में देवता पहुँचे
और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे वज्र की तलाश है जिसे आज अग्नि 2 मिसाइल या हम और तमाम अपने संसाधन कह सकते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक महर्षि दधीची है, अगर वो अपनी हड्डियाँ दान कर दें और उनकी हड्डियों से वज्र बनाए जाए तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। ऐसा ही था। तो बलिदान की तो बात यह है कि बलिदान तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चलता आया है, हमारे देश और के योद्धा, देश के ऋषि मुनि और देश के सैनिक कह लो, बलिदान से कभी पीछे नहीं हटते। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने दैत्यों से जीतने के लिए और इस सृष्टि की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक स्वेच्छा से दान कर दी। तो बलिदान में हमारे देश के लोग कभी पीछे नहीं हटते। बात इतिहास की हो रही है। राजा का जो कर्तव्य है देश के जन कल्याण के लिए अपनी जनता को आदेश देना और उसका इंप्लीमेंट करना, जैसा मोदी जी समय समय पर अपील करते हैं। मैं जानना चाहूंगा रामायण काल में जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे और उनके पिताजी ने दशरथ जी ने उन्हें एक राजा होने की हैसियत से एक आदेश दिया कि आपको वन जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा, उन्होंने शहर स्वीकार कर लिया था, उन्होंने झगड़ा नहीं किया था कि हम चार भाई एक चौथाई का लेंगे, ना उनकी पत्नी ने झगड़ा किया था कि मैं तो एक राजा के यहाँ भी आई गई थी वर्ण में क्यों जाऊंगी, उसने कहा जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे पति से। उसके ससुराल वालों ने भी आगे कहीं 156(3) में कोर्ट में केस फाइल नहीं किया था कि हमने तो अपनी लड़की एक धनी आदमी के यहाँ भी आई थी जंगल में क्यों बेच रहे हो, ये त्याग था और ये एक राजा के प्रति आज्ञा का पालन था, एक राजा के प्रति भी पिता के प्रति भी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के राजा तो हैं ही हैं, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ हमारे अभिभावक भी, हमें उनकी अपील का पालन करना चाहिए, वही राष्ट्रहित में है वही देशहित में। अब जो आप बात कर रहे हैं शत प्रतिशत की बात मैं यहाँ करना चाहूंगा, मैं इस बात पे आपस में भी डिस्कशन करता रहता हूँ, पत्रकारिता डिबेट में भी करता हूँ। आप अपने क्षेत्र में जाओ, एक घर में 8-10 आदमी है या मोहल्ले में 10-15-12 युवा है, उनसे पूछो क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं अपना तो ऐसे ही चल रहा, स्कॉर्पियो लेके घूम रहे, फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे, नौकरी कहीं कर नहीं रहे, बिजनेस कहीं कर नहीं रहे, खर्चा अंधाधुंध है, कमाई आ नहीं रही है, भाई ऐसे कैसे चल रहा। तो मोदी जी ने जो कहा है कि शत प्रतिशत का मतलब है कि भारत में जो व्यक्ति खाएगा रहेगा यहाँ की सुविधा भोगेगा उसे काम करना पड़ेगा, देश के प्रति योगदान देना पड़ेगा, काम चाहे कुछ भी करो बैठ के फ्री का नहीं खाएगा। आजकल जो ट्रेंड हो गया है घर में 4 आदमी घुमा रहे और 10 बैठ कर खा रहे, जो जिसका काम है, कोई खेती में कर रहा खेती में करो, कोई दुकान पर कर रहा दुकान में करो, जो बिजनेस में कर रहा बिजनेस में हाथ बटाओ। तो 100% का मतलब यह है कि ये जो भारत की जनता है ये फ्री में ना बैठ कर खाए, उसमें मैं भी हूँ, सब लोगों को अपने अपने हिस्से का राष्ट्र में योगदान करना चाहिए और काम करना चाहिए, ताकि जो लोग अभी अन्नदाताओं की बात हो रही थी, हम और आप एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, हम धन्यवाद करें उस किसान का। कल मैं दृश्य देख रहा था, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो मैंने वो जीवन जिया भी है, मेरे परिजन अभी भी जी रहे हैं। वो किसान धूप में बैठ के पेड़ के नीचे हाथ पे खाना खाता है बैठ के, नमक रोटी लेके टिफिन में, और हम उसके उगाए अन्न को बैठ के डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बड़े बड़े 5-स्टार होटल में खाते हैं, आधा खाते हैं और शादी विवाह में आधा प्लेट में कूड़ेदान में छोड़ा। ये अन्न जिसका हम तिरस्कार कर रहे हैं, हम खुशकिस्मत है, नसीब वाले हैं, हमें दोनों टाइम खाना मिल रहा है या दो टाइम अन्न मिल रहा है। उन लोगों को भी देखो जिनको एक वक्त भोजन मिल पाता है एक वक्त नहीं मिल पाता, ऐसे भी लोग हैं जिनको तमाम संसाधनों के बावजूद खाना पीना समय से नहीं मिल पाता या उतना पौष्टिक नहीं मिल पाता। हम इस अन्न की कदर करें, वेस्टेज ना करें, और इस अन्न को खाते समय हम उस किसान का वास्तव में धन्यवाद करें जो धरना दे रहा है, उसकी तो मुझे नहीं पता, मगर जो किसान खेत में पैदा कर रहा है अन्न को, रात के 12 बजे 11 बजे जब पानी लगाते हैं लोग, जब हम अपने एयर कंडीशनर कमरे में एसी चलाते हैं या हीटर चला कर सोते हैं, तब उस किसान की पीड़ा को महसूस करेगा, वो कैसा अन्न उत्पादन कर रहे हैं। हम उसका किसान का भी सम्मान करें और उस अन्न का भी आदर करें, तो यही राष्ट्र के प्रति सच्ची जो है देशभक्ति भी होगी, राष्ट्रभक्ति भी होगी, और यही किसान का वास्तव में सम्मान। बिल्कुल राजीव जी, बहुत सही कहा आपने कि किसान का सम्मान वही होगा जब हम किसानों को सम्मान देंगे और जो मेहनत करता है उसका पूर्ण रूप से उसे जैसे कि गन्ना भुगतान हो या फिर तमाम उनका मूल्य जो है उन्हें मिल सके, यही सम्मान होगा। पारुल देखिए, गन्ना भुगतान पागे एक बात और सुन लो, इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का उत्पादन करता है, वो फैक्ट्री मालिक हो कुछ भी,
उसका प्राइस तय करने का उसको अधिकार होता है। किसान खेत में गन्ना बोता है, सर्दी गर्मी बरसात तमाम झंझावत झेल कर उसको पैदा करता है, मिल में डाल करता है, जब उसे पर्ची मिलती है, उस गन्ने की पर्ची बोलते हैं प्रोफेशनल भाषा में, स्लिप कह लीजिए, वो गन्ना उसमें दिया, उसमें कोई रेट प्रिंट नहीं होता, 00 लिखा था, उसे नहीं पता होता तेरे गन्ने का क्या रेट मिलेगा और कब मिलेगा, किस भाव मिलेगा। जबकि अगर कोई 5 रुपए का आइटम भी बना रहा है, प्लास्टिक का घर में सुई तक बना रहा है, कोई ब्लेड बना रहा है, कोई मग्गा बना रहा है, कोई साबुनदानी बना रहा है, कोई बाल्टी बना रहा है, उसे अपनी कीमत निर्धारित वो खुद करता है और उसका एक प्राइस फिक्स है। अगर वो किसी को उधार भी बेच रहा है तो उसका बिल काट के दे रहा है कि ये सामान इतने रुपए का मैंने बेच दिया, इसके एवज में मिलेंगे। तो सरकारों को इस तरीके का प्रावधान करना चाहिए कि मान लीजिए जो भी रेट क्लियर कर दिया वो उसकी पर्ची पर स्लिप हो, स्लिप पर जो है प्रिंट हो, और उसको ये भी तय हो कि भुगतान इतने दिन में तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल, सरकारें दावा करती है 14-15 दिन में भुगतान मिल जाएगा, मगर कई कई क्षेत्रों में किसानों का 1-1.5 साल तक भुगतान नहीं मिलता, जबकि गन्ना किसान के लिए महत्वपूर्ण फसल भी और कीमती भी वही होता, उसी से उसके घर के बच्चे की फीस पढ़ाई जानी होती, उसी से स्कूल की फीस जमा होनी होती, उसी पेमेंट से उसका स्वास्थ्य चलता, उसी से उसके बेटा बेटी की शादी होनी होती, मतलब यही उम्मीदें हम लगातार लगा रहे हैं। तो ये फिक्स होना, बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं किसानों को लेकर, उम्मीद भी यही है कि आने वाले समय में और बेहतरी होगी। पारुल, जिस तरह से तमाम जो माहौल बना हुआ है और यहाँ पर कवि भी मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं अंजना जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। अंजना जी, देखिये पिछले 1 से 1.5 साल से कोरोना से जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, और इसीलिए कोरोना वॉरियर्स को हमें नहीं भूलना चाहिए, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें सम्मान देते आते हैं और आम जनता भी सम्मान देती आती है। तो चाहूंगी मैं कुछ लाइन आप भी कोरोना वॉरियर्स को समर्पित करें। और खुद अंजना जी डॉक्टर हैं तो जी। नहीं, मैं एक्चुअली साहित्य के क्षेत्र में, तो आप साहित्य की डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप भी उन्हें कहा जाता है, तो आप दोनों पे ही कविता सुना दीजिए। नहीं, मैं एक दोहा सुनाती हूँ जी। जैसे कि हमने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जैसे कि वो उसी का दुष्परिणाम है। तो वही है कि ईश्वर के सम्मुख सदा निर्बल मानव शक्ति, ईश्वर के सम्मुख सदा निर्बल मानव शक्ति और अहंकार तज कर करो सच्चे मन से भक्ति। और बढ़िया जी। और जैसे कि अभी बात चल रही थी किसानों की और मेहनत की, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उन्होंने कर्म को महत्व दिया, कर्म की इच्छा करो फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो उसी पर मैं कुछ सुनाऊंगी आप लोगों को कि देखिए, सफल होता वही जग में, और ये पंक्तियां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो आज का जो सूत्र वाक्य है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ पूरे देश को जी। कि सफल होता वही जग में, सफल होता वही जग में मनुज आलस्य जो त्यागे, सफल होता वही जग में मनुज आलस्य जो त्यागे, करे फल की न चिंता जो रहे कर्तव्य में आगे, करे फल की न चिंता जो रहे कर्तव्य में आगे। यही गीता सिखाती है, यही गीता सिखाती है, यही कान्हा की वाणी है, और यही ली सीख अर्जुन ने बड़ा रण क्षेत्र में आगे, यही ली सीख अर्जुन ने बड़ा रण क्षेत्र में आगे। और पंक्तियां हैं कि रहो चैतन्य हर पल तुम जी। रहो चैतन्य हर पल तुम, न छूने दो निराशा को। एक वक्त आता है कि जब हमारे अंदर निराशा, जैसे कि पिछले दिनों कोरोना हुआ और उसमें एक समय ऐसा आ गया, खासतौर से सेकेंड वेव में, कि हमारे अंदर निराशा आ गई कि पता नहीं हम जिएंगे या नहीं। मेरी कल ही बात हो रही थी, एक महिला थी, तो उसका कहना था कि मुझे ये लग रहा था पता नहीं मैं जीऊंगी या नहीं जीऊंगी, तो मैंने अपनी सारी ज्वेलरी निकाल के और वो मैंने पहनना शुरू कर दिया कि पता नहीं इतना मैंने इकट्ठा करके रखा है, नहीं रहूंगी तो कैसे मौका मिलेगा। तो ये एक निराशा का भाव था। तो वो निराशा के लिए पंक्तियां हैं कि रहो चैतन्य हर पल तुम, न छूने दो निराशा को, रहो चैतन्य हर पल तुम, न छूने दो निराशा को, भले कांटे चुभे पग में, भले कांटे चुभे पग में, न आने दो हताशा को। प्रगति पथ पर चलो हर पल, प्रगति पथ पर चलो हर दम, धरा आकाश महकाओ, प्रगति पथ पर चलो हर दम, धरा आकाश महकाओ,
तिमिर दुनिया का मेटो तुम, कभी भूलो ना आशा को। अच्छा मैं एक चार पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। एक जैसे कि अभी आपने कहा था कि हिंदुस्तान क्या है, तो हिंदुस्तान मैंने चार पंक्तियों में समेटा है, तो सुनिएगा। महक गीतों की गजलों की, भजन की है फजाओं में, महक गीतों की गजलों की, भजन की है फजाओं में। अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं, महक गीतों की गजलों की, भजन की है फजाओं में। अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं, जहां हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है, जहां हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है, मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। और देखिएगा कि मैं अपने देश से कितना प्यार करती हूँ, और मैं ही नहीं, मैंने जहाँ तक देखा है कि हम भले ही कितने भी अलग हों, अलग जातियों में, अलग धर्मों में बटे हों, लेकिन जहाँ देश प्रेम की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। वतन से प्यार करती हूँ, मधुर श्रृंगार लिखती हूँ, वतन से प्यार करती हूँ, मधुर श्रृंगार लिखती हूँ, दिखाए आंख जो कोई वहाँ अंगार लिखती हूँ, दिखाए आंख जो कोई वहाँ अंगार लिखती हूँ। और मैं एक फौजी की बेटी भी हूँ, तो सुनिएगा। वतन की नेक बेटी हूँ, रगों में खून भारत का, क्या बात, वतन की नेक बेटी हूँ, रगों में खून भारत का, कदम दुश्मन बढ़ाता जो तो फिर संघार लिखती हूँ, कदम दुश्मन बढ़ाता जो तो फिर संघार लिखती हूँ। और देखिएगा मैं अपना परिचय देती हूँ, सुनिएगा कि सच्चाई और साहस का मैं झंडा लेके चलती हूँ, सच्चाई और साहस का मैं झंडा लेके चलती हूँ। और मैं प्रयागराज से हूँ, तो प्रयाग उसी पहले जिसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, इलाहाबादी हूँ सांसों में, मैं गंगा लेके चलती हूँ, इलाहाबादी हूँ सांसों में, मैं गंगा लेके चलती हूँ। वतन से प्यार करने का मेरा, मैं एक फौजी की बेटी हूँ शायद इसलिए भी, वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है, वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है, मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा लेके चलती हूँ, अपने दिल की धड़कन में तिरंगा लेके चलती हूँ। और आज चूंकि आज़ादी का पर्व है, और ये आज़ादी का पर्व तब तक अधूरा रहता है जब तक कि हम उन लोगों को याद ना करें जो जिन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए, जिन्होंने हमें इतना सुरक्षित करने के लिए अपनी जान कुर्बान की। सुनिएगा कि अब अमन के लिए इस चमन के लिए, पंक्तियां पूरे देश को समर्पित करती हूँ मैं, कि अब अमन के लिए इस चमन के लिए, मोड़ दे रुख हवा का वतन के लिए, अब अमन के लिए इस चमन के लिए, मोड़ दे रुख हवा का वतन के लिए, और याद बलिदानियों की न भूले कभी, याद बलिदानियों की न भूले कभी, पत्थरों को न खोजे नमन के लिए।
पत्थरों को नखो नमन के लिए। जी बहुत खूबसूरत लाइनें आपने सुनाई है और सच में सुनकर देशभक्ति की भावना जो है एक बार फिर से जोश से भरती हुई नजर आ गई है। दीक्षित जी आप बहुत देर से चुप हैं तो आपको हम इतनी देर तक चुप बैठने नहीं दे सकते। दीक्षित जी देखिए प्रयागराज जी कहने की बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैं प्रयागराज जी हूँ और इलाहाबादी चूंकि ये मुक्तक के हिसाब से उसने पहले चलिए दीक्षित जी आपसे बस यही पूछूंगी आखिरी सवाल होगा उसके बाद हम सीधा कविताओं पर ही जाएंगे माहौल थोड़ा सा और देशभक्ति हम बनाएंगे। दीक्षित जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से जो बहुत सारी बातें कही हैं उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि देश की बेटियों को अब सैन्य स्कूल में एडमिशन मिलेगा ये बहुत बड़ी बात है इसमें और दूसरी ये बड़ी बात है कि 25 सालों में हमारा विजन पूरा क्लियर है। वहीं हाइड्रोजन जो मिशन है उसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। देखिए वैसे भारत तो पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन करने को लेकर अग्रसर है। कू ऐप पे भी कल हैशटैग से नो टू प्लास्टिक तिरंगा बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था तमाम नेताओं ने तमाम अभिनेताओं ने इसका समर्थन किया। ऐसे में आगे भारत अगर मैं कहूँ कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है कब तक हम देश को एक महाशक्ति के रूप में देख सकते हैं? क्या 25 साल काफी हैं देश को एकदम बिल्कुल जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो देश एक महाशक्ति के रूप में हमें नजर आएगा क्या उस स्पीड से हम चल रहे हैं? देखिए मैं थोड़ा सा चूंकि युवा वर्ग से आता हूं जी तो सोच भी क्रांतिकारी होना जरूरी है। आज से जब हम अपने इतिहास को याद कीजिए तो ये हिंदुस्तान सपेरों का देश कहा जाता था। मैं उस परिपेक्ष में मैं उस समय को आज 70 साल बाद अगर मैं तुलना करता हूं तो यही वही हिंदुस्तान है जो आज अंतरिक्ष पे भी राज कर रहा है और मंगल पे भी हमने अपने आप को स्थापित किया। तो मैं थोड़े से अपने प्रधानमंत्री जी के बातों से बहुत ज्यादा समर्थन करता हूं और सपेरों का देश 70 साल में अगर मंगल और अंतरिक्ष पे भी अपना नाम स्थापित कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी एक इच्छा शक्ति जगती है और कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे हिंदुस्तान की जो प्रेरणा है आत्मनिर्भर होने की जो प्रेरणा है ये हमें आपका आगे बढ़ाती है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला की प्राचीर से मातृशक्ति और महिला शक्ति की बात की हमारी बच्चियों को भी सैनिक सैन्य शिक्षा में उन्हें स्थान दिया जाएगा उनके लिए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे एक बहुत बड़ी रिफॉर्म है खासकर मातृशक्ति के लिए और एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए रिफॉर्म है जहां जिसे पुरुष प्रधान कहा गया था। आज तक हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश के नाम से जाना जाता था लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज परिभाषा बदल दी है इस अमृत वर्ष जो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश के पुरुष प्रधानता को की परिभाषा को बदल दिया और आज मातृशक्ति को स्थापित करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है और बहुत बड़ा इच्छा शक्ति जाहिर की गई है और मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान अब आगे बढ़ेगा नहीं दौड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मातृशक्ति जिस दिन जी। उस कहा गया एक छोटी सी कहावत भी है कि हर सक्सेस पुरुष के पीछे एक मातृशक्ति का हाथ एक महिला का हाथ होता है तो आप विश्वास कीजिए जिस दिन देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान समानांतर तरीके से लगा दिया जाएगा मुझे विश्वास है हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। आज हिंदुस्तान की हमारी महिलाएं हमारी बहनें हमारी बेटियां आज सुखोई और 370 जैसे लड़ाकू विमान को उड़ा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं उस वो इच्छा शक्ति है जो महिला घर में एक बर्तन एक खाना बना सकती है रसोई पे काम कर सकती है वही महिला फाइटर जेट उड़ा रही है तो कहीं ना कहीं उस महिला में वो शक्ति है और प्रधानमंत्री जी ने हमारे महिलाओं हमारी बहनों में वो चीजें देख लिया है और उन्हें एक लंबी उड़ान देने की जो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की है मैं प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से साधुवाद देना चाहता हूँ और आपकी उस विलक्षण शक्ति जिसमें आपने महिलाओं के अंदर जो आपने देखी है जी। इसकी इस शक्ति के लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल चलिए अब कार्यक्रम को समापन की तरफ बढ़ाते बिल्कुल हैं और इसीलिए पहले आखिरी एक कमेंट पारुल
बिल्कुल अंजना जी आपसे ही शुरुआत करेंगे, एक जाते जाते आखिरी एक कविता और। मैं अगर कहिए तो मैं चीन के लिए थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज देखती हूँ कि कोई हमारे देश की तरफ अगर टेढ़ी निगाह करके देखते हैं तो मेरा जो खून जो है वो खोले। तो मैं एक देशभक्त के नाते होने के नाते पिछले दिनों जो चीन के चीन ने जो दुस्साहस किया था या और भी देश जो दुस्साहस करते हैं वो ना करे इस तरह का, तो सुनिएगा पंक्तियाँ कि हमें सोच के ही थर आएगा, हमें सोच के ही थर आएगा बन काल कहर बर पाएंगे जी। हमें सोच के ही थर आएगा बन काल कहर बर पाएंगे, हम एक के बदले दुश्मन के दस शीश काट कर लाएंगे। बस चाह हमारी इतनी है, बस चाह हमारी इतनी है कि आशीष हमें दे भारत माँ। ऐ शत्रु तेरी हम छाती पर, ऐ शत्रु तेरी हम छाती पर फहरा के तिरंगा आएंगे, ऐ शत्रु तेरी हम छाती पर फहरा के तिरंगा आएंगे। और पंक्तियां हैं कि जैसे कि सैनिक चीन में हमने सुना है कि जबरन सैनिक भर्ती करवाए जाते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सैनिक जो है माओ के द्वारा सौंपे जाते हैं। अगर पति पति शहीद हो जाता है तो पत्नी खुद को समर्पित करती है देश के प्रति, और अपना अगला बेटा वो समर्पित करने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। पंक्तियां हैं उसी पर कि चीन को मैंने कहा है कि तेरी सेना में जबरन गीदड़ भर्ती करवाते हैं। भाई जबरन जब करवाया जाता है तो वो एक देशभक्त नहीं हो सकता। तेरी सेना में जबरन गीदड़ भर्ती करवाते हैं, किंतु यहाँ माओ के द्वारा सैनिक सौंपे जाते हैं, और तू क्या जाने चीन, शहादत जिसे विधाता है, शहादत शब्द जो है वो एक ईश्वरीय रूप है, तू क्या जाने चीन शहादत जिसे विधाता रचता है। और भारत ऐसा देश जहां, हर दिल में सैनिक बसता है, एक एक हिंद के शेर से तेरे सौ सौ गीदड़ मरवाएंगे। चीन तेरी हम छाती पर, चीनी नहीं हमारे देश को वक्र दृष्टि देखने वाले हर दुश्मन देश को, शत्रु तेरी हम छाती पर फहरा के तिरंगा आएंगे। अंतिम पंक्तियां देखिए, मैं पूरे देशवासियों की, क्योंकि हम भले ही अलग अलग हों लेकिन फिर भी हम एक हैं। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ अंतिम पंक्तियों से कि मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, देश का कर्ज जो हम पर है उतारा जाए, मादरे हिंद को मिलजुल के निखारा जाए, देश का कर्ज जो हम पर है उतारा जाए। नफरतें खत्म करो, आओ चलो ऐ लोगो, मुल्क को प्यार मोहब्बत से सवारा, मुल्क को प्यार। और दो तीन पंक्तियां और पढ़ूं, बिल्कुल बिल्कुल, कि जान पर खेल गए जो भी वतन की खातिर, वो हमारे सैनिक, वो हमारे शहीद, जान पर खेल गए जो भी वतन की खातिर, कर्ज उन वीर सपूतों का उतारा जाए, और एक पंक्ति पूरे देश के लिए बहुत गहराई है, उसमें मेरे पसंद की पंक्ति है कि काश काश मजहब से परे ऐसा चलन देश में हो कि हिंदवासी ही यहाँ सबको पुकारा, जाए। और अंजना आओ तरक्की के करे काम ऐसे, आदरणीय प्रधानमंत्री की बात को आगे बढ़ाती हूँ कि अंजना आओ तरक्की के करे काम ऐसे जिनसे भारत का बुलंदी पे सितारा जाए, जिनसे भारत बुलंदी पे सितारा जाए।
बहुत खूब और बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में आए और एक खास प्रस्तुति दी है। तमाम बातें हमने की, तमाम डिस्कशन यहाँ पर किया, डिस्कशन भी हो गया है, यहाँ पर कविताएं भी हो गई है, देशभक्ति की भावना जो है उससे भी हर्षोल्लास और गौरव से हम भर गए हैं। तो ऐसे में इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही और आगे आप ऐसे ही आजादी का जश्न मनाते रहिए और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी आपको एक बार फिर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।